आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, द क्वेश्चन इज, इन अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। इन द सेम एग्जामिनेशन अनदर स्टूडेंट सिक्योर्ड 40% मार्क्स एंड गॉट 28 मार्क्स मोर देन मिनिमम मार्क्स टू पास। द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज, हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन हमसे कहा है कि किसी एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स प्राप्त किए और वो 12 नंबर से फेल हो गया। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट था जिसने 40% नंबर प्राप्त किए और वो उसके पासिंग मार्क्स से 28 मार्क्स ज़्यादा आए। तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन के कितने थे। हम क्वेश्चन से देखते हैं कि पहला स्टूडेंट जो फेल हुआ है उसके 30% मार्क्स थे और अगर इसे 12 मार्क्स और दे दें तो ये पास हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक स्टूडेंट के 40% मार्क्स थे जिसने कि 28 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए थे, तो उसके अगर हम 28 घटा दें तो ये भी पास हो पाएगा केवल। यानी ये दोनों इक्वेशंस दोनों तरफ बराबर होंगी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 10% इज इक्वल टू 12 प्लस 28, ये आएगा 10% इज इक्वल टू 40 और 100% मार्क्स यानी 400। यानी एग्जामिनेशन के जो 100% मार्क्स थे यानी जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 400 जो कि ऑप्शन डी है और यहाँ मुझे दिया है तीसरे नंबर पर। तो ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। थैंक यू ऑल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।